आरपीएफ चापा पोस्ट टीम ने मुखबिर की सूचना पर अकलतरा लटिया के बीच सिग्नल केबल चोरी करने वाले दो आरोपी अमित कुमार कश्यप व कृष्णा बैरागू को पकड़कर चोरी के माल को खरीदने वाले शक्ति क्षेत्र बर्तन दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है। चोरी का कॉपर खरीदने वाले सुमन कसेर के कब्जे से 22 किलो सिग्नल कॉपर व केशव कंसारी के पास से 30 किलो कॉपर वायर कुल 52 किलो कॉपर बरामद किया गया। धमतरी जिले के बिरेझर पुलिस चौकी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों अभनपुर से वापस लौट रहे थे, तभी सामने से आई यात्री बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है। सीआरपीएफ की सब्जी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात की अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस कांड को अंजाम देने वाला उसका ही दोस्त है। पहले तो बदमाश ने अपनी बातों में उलझाकर महिला से करीबी बढ़ाई, उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस कांड को अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले की मणिपुर चौकी पुलिस ने युवती का फोटो प्राप्त कर एडिटिंग कर अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देकर रुपयों की मांग करने वाले आरोपी शिवम जायसवाल उर्फ सोनू भाईवाड़ा मुंबई को पकड़ने में सफलता प्राप्त। आरोपी के धरपकड़ के लिए सरगुजा से पुलिस टीम को मुंबई भेजा गया था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर शहर और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के बीच कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी द्वारा न्यायालय के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की गई थी तथा 3 बाइक अन्य स्थल से चोरी की गई थी। रायगढ़ जिले के चकधरनगर थाना क्षेत्र में रविवार को कब्र खोदकर एक महिला की लाश निकाली गई। बंद मकान की बाड़ी में जमीन के अंदर शव दफन था। जब 17 दिनों से महिला का फोन नहीं लगा, तब बड़ी बहन किसी अनहोनी की आशंका से उसके घर गई, जहां घर के पीछे जमीन में दबी बहन की साड़ी और उसके पैरों की उंगलियां दिखाई दी। उसने तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस ने खुदाई कराई तो महिला की लाश मिली। परिवार ने उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। जसपुर जिले की तपकड़ा थाना पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर जांच करते हुए बुलेट में गांजा तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,10,000 कीमत का 21 किलो गांजा भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी सरजन सिंह व शिशु सिंह यूपी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने कुआं गांव और औराबाद एवं लक्षनपुर के गोठान का निरीक्षण कर वहां खाद प्रसंस्करण यूनिट, मुर्गी पालन, बकरी पालन, अंडा उत्पादन, गोबर खरीदी, वार्मी कंपोस्ट निर्माण आदि गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने गोठान के कार्य को संतोषजनक नहीं होने पर लोरमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दंतेवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 23 साल के एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक का दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बीएसपी प्रबंधन के नगर सेवा विभाग को बड़ा झटका लगा। उसने कुर्सी पर आईटीआई के आगे जिन 5 कंपनियों के खिलाफ बेजा कब्जा धारक बताते हुए कार्रवाई की थी, उस पर हाईकोर्ट ने 5 कंपनियों को स्टे दे दिया है। सुपेला पुलिस ने एक निगरानी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वह मानसिक रूप से बीमार है। 12 वर्ष की बच्ची का गलत फायदा उठाना चाहता था। बच्ची ने यह बात अपने माता पिता को बताई। उसके बाद परिजनों ने सुपेला थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
भिलाई शहर के जुनवानी क्षेत्र के सूर्या मॉल में संचालित डिस्टोमेनिया क्लब में पुलिस ने दबिश दी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इस क्लब में बांग्लादेश और कोलकाता से कुछ लड़कियां आई हुई हैं। इस इनपुट के आधार पर दुर्ग पुलिस ने 6 से 7 टीआई लेवल के अफसरों की टीम ने क्लब में दस्तक दी। पार्टी जुनवानी के सूर्या मॉल के तीसरे माले पर संचालित हो रही थी। जब पुलिस ने दबिश दी तो अंदर खलबली मच गई। मामले की जानकारी कलेक्टर और एसपी तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने मामले को लेकर आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर क्लब के संचालन संबंधित जानकारी मांगी है। बलौदाबाजार जिले की लवन पुलिस चौकी की पुलिस ने ग्राम कारी निवासी दो भाइयों यशवंत साहू और मनोज साहू को एम्बुलेंस में आए पुलिस द्वारा मारपीट कर घर से जबरन लेकर जाने के बाद मारपीट करने वाले आरोपी नारायण साहू, अमित कुमार रात्रे, सुनील कुमार, चंदन कर्ष, प्यारे लायर और बंसी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के माना एयरपोर्ट में महिलाओं ने एक युवक की बेदम पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि लड़का राहुल ट्रेवल्स में पहले काम करता था। पैसे की लेन देन को लेकर रविवार को भी पहुंचा, जहां उसने लड़कियों से मैनेजर का नंबर मांगा। नंबर नहीं देने पर लड़कियों से विवाद करने लगा। इसी बीच झूमा झटकी होने लगी, जिस पर लड़कियों ने युवक की सरेआम पिटाई कर दी। रविवार को शाम 4:15 बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर झलमला चौक के पास तेज रफ्तार हाईवा व ट्रक में टक्कर हो गई। स्टीयरिंग में हाईवा के वाहन का ड्राइवर एक घंटे तक फंसा रहा, जिसे लोगों की मदद से स्टीयरिंग को मशीन से काट कर निकाला गया। ड्राइवर के पैरों में भी गंभीर चोटें आई हैं। खैरागढ़ के राजा स्वर्गीय देवराज साहू की दूसरी पत्नी विभा सिंह के पीएसओ ने रात में खैरागढ़ के धर्मपुरा स्थित ढाबे में जमकर उत्पात मचाया। ढाबे में खाना खाने के दौरान कुछ युवकों से हुआ विवाद देर रात तक चला। मारपीट के दौरान पीएसओ ने गगन से गोली भी चली। मामले में पुलिस ने पीएसओ ईश्वर सिंह सहित दो पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की सूचना के बाद सीए के अफसरों ने पीएसओ को सस्पेंड कर दिया। बिलासपुर के मध्य नगरी चौक स्थित ब्यूटी पार्लर से चोरों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का जेवर और नगद रकम वाला पर्स पार कर दिया। फेशियल कराने के बाद पर्स गायब होने की जानकारी मिलने पर प्रोफेसर ने पार्लर के कर्मचारियों से पूछताछ की। पर्स नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी ने विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर निर्णय लिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की कोर कमेटी की बैठक में रविवार को रायपुर में हुई पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी ने बताया कि धर्मजीत सिंह पर अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा और प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने के कारण ये कार्रवाई की गई है। बस्तर में माओवादियों ने मालगाड़ी को निशाना बनाया और करीब 50 की संख्या में हथियारबंद माओवादी दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल के बीच भांसी पहुंचे और मालगाड़ी को पूरी तरीके से रोक दिया। इतना ही नहीं, पायलट से वॉकी टॉकी छीन लिया गया, जिसके साथ ही 15 हथियारबंद नक्सली गार्ड बैंड के पास भी पहुंचे और उनका भी वॉकी टॉकी छीन लिया। हालांकि माओवादियों ने पायलट और गार्ड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। बिलासपुर की चक्रभांडा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र ग्राम तिलसरा में हुई ठेकेदार संदीप ठाकुर की हत्या के मामले में 3 आरोपी सनी यादव, फेकू यादव और राजा यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक संदीप ठाकुर आरोपी फेकू यादव और राजा यादव की माता से गाली गलौज कर घर से निकालना था। आरोपी राजा यादव की पत्नी पर गलत निगाह रखता था, जिसको लेकर दोनों ही आरोपी मृतक से रंजिश रखते थे। आरोपियों ने प्लानिंग कर गणेश विसर्जन की रात परसा टंगिया राठी से हमला करते हुए संदीप ठाकुर की हत्या कर दी। सारंगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टिमर लगा में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से पैदल अपने घर जा रहे मासूम बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। मासूम बच्चा ट्रक के बोनट पर फंस गया था। ट्रक चालक को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में लेकर पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। महासमुंद जिले की साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली की टीम मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर 3 व्यक्ति प्यारे लाल ढीमर, अशोक यादव व घनश्याम ध्रुव को पकड़कर तलाशी ली। अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 किलो कीमत लगभग 1,60,000 रुपए का गांजा जब्त किया है।